आज मैं आपसे बात करूंगा डायबिटीज पे और डायबिटीज की वजह से जो आंखों के ऊपर इफेक्ट आता है उस पर, जिसको कि डायबिटिक रेटिनोपैथी बोला जाता है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर सूरज मुंजाल फ्रॉम द साइट एवेन्यू। मैं बहुत सिंपल तरीके से और सरल तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ। मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये हमारी आंख का रेटिना है या जिसको पर्दा भी बोला जाता है। ये हमारी अगर आंख है तो इसके अंदर इसका जो पीछे वाला हिस्सा है इसको रेटिना बोलते हैं। तो अब दोस्तों ये देखो, डायबिटिक रेटिनोपैथी के अंदर क्या होता है, ये स्पेशली उन पेशेंट्स में होते हैं जिनके अंदर शुगर का लेवल अनकंट्रोल्ड है या फिर ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जैसे ही डायबिटीज़ डिटेक्ट होती है हमको हर साल अपने रेटिना का चेकअप कराना है, जिसको कि फंडस एग्जामिनेशन भी बोला जाता है। हम उसको चेक करते हैं आँख के अंदर दवाई डाल के, पुतली फैलाकर, और हमको रेटिना विजिबल हो जाता है। तो आपके जो भी डॉक्टर हैं वो इसको चेक करके बताएंगे। तो जिस दिन डायबिटीज़ डिटेक्ट होती है हम उस दिन से चेक करना शुरू करते हैं उसको, और हर साल उसको चेक करते रहते हैं फंडस को या रेटिना को, और साथ में ही अपना शुगर लेवल भी मेंटेन करते हैं अपने डॉक्टर द्वारा दी हुई दवाई को लेकर, चाहे वो इंसुलिन हो, चाहे वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स हो जिसको कि खाने वाली टैबलेट्स बोलते हैं, और साथ में जो भी अपनी डाइटरी चेंजेस वो लेके आएंगे, और जो भी आपको कुछ वॉक वगैरह या वेट लूजिंग की जो भी आपको विधियाँ वो बताएंगे, उनको सबका ध्यान रखना होता है। तो हम रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे अपना डायबिटिक चेंजेस इन आई के ऊपर, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी भी बोला जाता है। ये कैसे होता है, ये जो हमारी आपको ये दिख रही हैं जो ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही हैं आपको, ये लाल लाल जो है, नॉर्मली क्या रहता है, खून इनके अंदर बहता चला जाता है, लेकिन डायबिटीज़ जब होती है तो ये लीक होनी शुरू हो जाती है। तो इसके अंदर माइक्रो, जिसको कि बोले आपको समझाऊँ तो माइक्रो होल्स हो जाते हैं, जो लीक होती है तो इसके अंदर ब्लड बाहर आना शुरू हो जाता है। तो अगर टाइम से इस चीज़ को पकड़ा जाए तो इसको PRP लेज़र, जिसको कि पैन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन भी बोला जाता है, लेज़र करके उन छेद को बंद कर दिया जाता है। और ये शुरुआत ऐसे होती है, फिर मल्टीपल छेद हो जाते हैं तो जगह जगह पे ब्लीडिंग स्पॉट आ जाते हैं, नई ब्लड की वेसल्स भी बन जाती हैं जिसको हम नियोवेस्कुलराइजेशन बोल सकते हैं, और ये कहीं पे भी हो सकती हैं। ये नई जो खून की नसें आती हैं वो वेसल्स के आसपास भी बन सकती हैं, और ये जो हमारी आँख की डिस्क है या जो कि नर्व हेड है इसके आसपास भी बन सकती हैं, तो उसको भी हमें लेज़र करना पड़ सकता है। हमारी आँख का जो मेन पोर्शन जो कि सेंट्रल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको मैकुला बोलते हैं, ये है मैकुला, एंड उसका भी सेंटर उसको फोविया बोला जाता है। जब ये एरिया इन्वॉल्व होने लगता है, यहाँ पे ब्लड के स्पॉट आते हैं और इसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको मैकुलर एडीमा बोला जाता है। उसके लिए अलग तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, लेजर्स भी होते हैं और कुछ स्पेशल तरह के इंजेक्शंस भी होते हैं। और अगर मानिए कि ये चीज़ें यहाँ पे नहीं रुकती हैं तो इसकी और भी एडवांस स्टेज होती है, जिसके अंदर ये खून हमारे, ये तो रेटिना तो पीछे वाला हिस्सा है, इसके आगे जो कैविटी है इसको विट्रस कैविटी बोला जाता है। खून यहाँ से लीक होकर कई बार खून इतना ज़्यादा होता है विट्रस कैविटी के अंदर आ जाता है, उसको बोला जाता है विट्रस हेमरेज। तो उसके लिए भी इंजेक्शन्स होते हैं, डिपेंड करता है कितना विट्रस हेमरेज है, ज़्यादा है कम है, वो इंजेक्शन से भी ठीक हो जाता है, लेजर से भी ठीक हो जाता है, और काफ़ी केसेस में हमको सर्जरी भी करनी पड़ जाती है। और अगर सपोज हम इस पर भी इग्नोरेंट हैं, ये चीज़ भी हम इस लेवल तक भी डॉक्टर के पास नहीं जाते, तो नेक्स्ट स्टेज होती है उसके अंदर TRD होने लग जाती है। TRD बोले तो ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। ये क्या होता है, जो ये खून पड़ा पड़ा ये क्लॉट हो जाता है, इसके धागे बन जाते हैं जिसको कि बैंड्स भी बोला जाता है, वो बैंड्स जाके इस रेटिना पे चिपक जाते हैं। ये रेटिना देखने में जो लाल लग रहा है ये बेसिकली ट्रांसपेरेंट होता है, ये पीछे जो इसकी ब्लड वेसल्स हैं इसकी वजह से आपको लाल दिखाई दे रहा है, और ये प्याज की झिल्ली के जैसा होता है, उससे भी ज़्यादा पतला होता है। तो जो बैंड्स बन जाते हैं पड़े हुए खून से, वो जाके उस झिल्ली पे चिपक जाते हैं और उसको खींचने लग जाते हैं। वो खींचते खींचते ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पर्दा अपनी जगह से उखड़ जाता है, और उसको TRD या ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, सर्जरी। तो इस सारी प्रोसेस के अंदर हमारे कुछ कुछ ऐसे एरियाज ऐसे होते हैं रेटिना के जिसके अंदर खून का दौरा कम हो जाता है या खून का दौरा बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, तो उस एरियाज़ को CNP बोला जाता है, एरियाज ऑफ कैपिलरी नॉन परफ्यूजन। तो वो एरिया डेड हो जाता है। तो हमारा जैसा कंडीशन होगी उसी हिसाब से ट्रीटमेंट होगा, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि इफ़ वी ट्रीट दिस प्रॉब्लम और वी डायग्नोज दिस प्रॉब्लम ऑन टाइम, तो उसके अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ा बनने से रोका जा सकता है।
अगर हम इसको इनिशियल लेवल पे ही रोक दें, जिसको कि अर्ली चेंजेस या नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी बोला जाता है, उस लेवल पे ही हम रोक दें, तो हम ये बड़ी मुसीबत को आने से रोक सकते। तो मैं आपको एक बार समराइज करना चाहूँगा, इसके मेन कारण ये होते हैं शुगर का होना, अनकंट्रोल्ड शुगर होना, और किसी किसी के अंदर शुगर कंट्रोल भी है तो ड्यूरेशन ऑफ शुगर पे बहुत डिपेंड करता है सब। तो अगर हम एक रूटीन बना लेते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को समझा देते हैं कि तुमको हर साल डॉक्टर के पास जाना है अपना रेटिना चेक कराने और शुगर लेवल्स मेंटेन करने हैं, तो हम इन स्टेजों को काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकते हैं और टाइमली ट्रीटमेंट ले तो हम अपनी विजन को बचा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ जितने भी दोस्त हैं, जितने भी लोग हैं जिनको डायबिटीज हैं, वो इस वीडियो को अपने फ्रेंड से शेयर करें जिनको ये प्रॉब्लम है, और उनको इस वीडियो के माध्यम से एजुकेट करें। हमारी डायबिटिक हेल्पलाइन है जिसका नंबर कि आप नीचे देख सकते हैं, उसका मोबाइल नंबर भी है, उसका लैंडलाइन नंबर भी है, और आप हमको ईमेल से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप हमको कृपया नीचे लिए गए नंबर्स या ईमेल पर संपर्क करें। हम आपको हमेशा अवेलेबल हैं आपकी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए और आपको जो भी सवाल हैं, क्वेरीज हैं, उनको क्लियर करने के लिए। डायबिटीज़ का विषय आज हम यही समाप्त करेंगे। तो आप हमको कभी भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।